बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू गौर पब्लिशर्स। आवर स्लोगन इज रीडिफाइनिंग द जियोग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्स फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। माय नेम इज असीबी अमीन खान एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस गौर मैथमेटिक्स स्किल अप सीरीज ग्रेड 2 एंड द यूनिट इज 1 एंड द नेम ऑफ द यूनिट इज नंबर्स एंड ऑपरेशन। नंबर एंड ऑपरेशन में हमारा जो पहला टॉपिक है वो है बैकवर्ड स्टेप डाउन काउंटिंग। बैकवर्ड स्टेप डाउन काउंटिंग में कहते हैं कि देखिए, हाँ, स्टेप डाउन मतलब एक एक कम करना, बैकवर्ड पीछे आना। लेट अस काउंट बैकवर्ड वन स्टेप डाउन फ्रॉम एनी गिवन नंबर। कहते हैं किसी भी गिवन नंबर से हम स्टेप डाउन आते हैं। लेट्स सपोज एग्जांपल, देयर आर 581 ऑन अ नंबर लाइन। कहता है हमने 581 एक नंबर लाइन शो की हुई है। कहते हैं इसे आपने एक स्टेप डाउन जाना है, डाउन मतलब कम करना है। तो देखिए, फाइव वन स्टेप डाउन जाना, तो 581 में से जब मैंने वन कम किया तो 580 आ गया, उससे वन मैंने कम किया तो 579, उससे कम किया तो 578, उससे कम किया तो 577, उससे कम किया तो 576। इसी तरीके से हम चलते जाएंगे तो ये एक एक स्टेप डाउन होता जाएगा। एक्सरसाइज भी आ जाती है, वो हमें कह रहा है कि इसका स्टेप डाउन हमें आप करके बताएं। राइट द बैकवर्ड काउंटिंग बाय 10 स्टेप्स डाउन। यहाँ हमें वन स्टेप दिया हुआ था, यहाँ हमें 10 स्टेप्स डाउन दिया हुआ है। तो देखें, जब मैं 560 से 10 स्टेप पीछे जाऊंगा तो 10th प्लेस आपकी जो है, ये देखें, इसके ऊपर 6 है, तो 10th प्लेस पे पीछे जाऊंगा तो क्या आ जाएगा, 5। फिर 10th प्लेस पे पीछे जाऊंगा तो 4। फिर 10th प्लेस पे पीछे जाऊंगा तो ये 530 हो जाएगा, फिर ये 520 हो जाएगा, फिर 510। इसी तरीके से हम कोई और एक सवाल अटेम्प्ट करके देख लेते हैं। लेट्स सपोज 3 देख लेते हैं। 3 में देखें, 330, ये हमने कितना जाना है, 10 स्टेप्स डाउन जाना है। तो ये क्या आ जाएगा, 10th प्लेस पे 3 है, इसकी जगह क्या आ जाएगा, 2, 320, 310, 300, 290 एंड 280। इसी तरीके से हम इसके बाकी के पार्ट भी रिजॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। लेट अस लर्न हाउ टू राइट नंबर्स इन असेंडिंग, इंक्रीजिंग और डिसेंडिंग, डिक्रीजिंग ऑर्डर। असेंडिंग में हम क्या करते हैं, चीज को इंक्रीज कर देते हैं, नंबर इंक्रीज होते हैं। डिसेंडिंग में क्या होता है, नंबर्स कम हो जाते हैं। व्हेन वी राइट नंबर इन अ सीक्वेंस फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट, दिस इज कॉल्ड असेंडिंग ऑर्डर। वो कह रहा है अगर हम किसी सीक्वेंस में हम छोटे से बड़े की तरफ मूव करते हैं, किसी छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ मूव करते हैं, तो हमारा असेंडिंग ऑर्डर कहलाता है। और अगर इसी को रिवर्स कर लिया जाए, उलट कर लिया जाए, कि जब किसी सीक्वेंस में हम बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ मूव करें, तो हमारा वो डिसेंडिंग ऑर्डर कहलाता है। इधर हमें एक एग्जांपल भी दी हुई है कि जब आप स्टेयर चढ़ रहे होते हैं, इट मींस आप स्टेयर फर्स्ट से सेकंड पे, थर्ड पे, फोर्थ पे, अप टू हाई जा रहे हैं, इट मींस आप असेंडिंग ऑर्डर में सीढ़ियां चढ़ रहे होते हैं। और जो आप सीढ़ियां उतर रहे होते हैं तो स्टेप डाउन आ रहे होते हैं कि करके, तो हमारा क्या कहलाता है, डिसेंडिंग ऑर्डर। यह एक एग्जांपल दी गई है, देयर आर 176 मैंगोज ट्रीज। कहता है एक दरख्त है, उस पर 176 मैंगोज हैं, और एक और दरख्त है उस पर 235 एप्पल्स हैं, और एक और दरख्त है जिसपे 105 बनानास ट्रीज बनाना है, ठीक है। राइट द दीज नंबर्स ऑफ ट्रीज इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। वो कहते हैं इनको आप असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखें इन योर नोटबुक, अपनी नोटबुक में। तो ये हमें डाटा दिया हुआ है कि हमने इनको लिखना है। देखें, इन ऑर्डर टू राइट द नंबर इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, कहता है अगर आपने असेंडिंग या डिसेंडिंग में हमको लिखना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसकी 100 प्लेस को कंपेयर करें, उसकी 10th प्लेस को कंपेयर करें, फिर उसकी 1st प्लेस को कंपेयर करें। देखते हैं, सिंस 2 इन द 100 कॉलम इज द बिगेस्ट डिजिट, कहता है 2 जो है वो 100 वाले में बिगेस्ट डिजिट है, सो द लार्जेस्ट नंबर इज 235। तो हमें पता लग गया सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 235। नाउ कंपेयर 10th कॉलम, अब आप किसके ऊपर आ जाए, 10th वाले पे, 176 एंड 105, सिंस 7 इज ग्रेटर देन 0। वो कहते हैं कि देखें, अब आप आ गए 176 और 105, इसका तो हमें पता लग गया ना कि ये सबसे बड़ा है। अब हमने देखना दूसरे पे कौन है, तो हमने एक ये वाली टर्म को और इस वाली टर्म को कंपेयर करना शुरू किया। तो जब हमने देखा कि 10th प्लेस पे इसके पास 7 है, तो इसका मतलब सेकंड लार्जेस्ट टर्म ये वाली है और ये थर्ड वन है। तो हमने जब असेंडिंग या डिसेंडिंग में लिखना है, तो हमने क्या करना है, सबसे पहले स्मॉलेस्ट लिखनी है असेंडिंग में, फिर उससे ग्रेटर, फिर सबसे ग्रेटर, और डिसेंडिंग में हमने रिवर्स करना है।
पहले सबसे ग्रेटर, फिर उससे स्मॉलर, फिर स्मॉलेस्ट। नेक्स्ट पे मूव करते हैं, एक्सरसाइज इसके देखते हैं। वो कह रहा है रेज द गिवन नंबर्स इन द सेंडिंग ऑर्डर, आप उसको सेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके दें। इसका एक सवाल हम देख लेते हैं, ये 605, 380 और 410, ये 1 है, ये 10 है, ये 100 है। ये देखें, जी इधर देखें, हमने देखा तो सबसे जो 100 प्लेस में सबसे बड़ा वो कौन सा है, 6 है। तो ये 605 हमारी सबसे बड़ी टर्म आया, ये हमारे पास सबसे बड़ी है, लार्जेस्ट। उसके बाद हम देखते हैं कि हम फिर अब हम मूव कर जाते हैं किस पे, कि इसमें अब ये तो हो गया लार्जेस्ट, अब इन दोनों में देखते हैं तो इसमें हमारे पास जो उससे बड़ी है वो कौन सी है, 410 लार्जर, और फिर लास्ट में ये जो बची है 3 वाली, तो ये 380, ये क्या हमारे पास लार्ज। ठीक है, इसी के से तो हम सबसे पहले किससे शुरू करेंगे, लार्ज से, फिर लार्जर, फिर लार्जेस्ट, असेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, 380, फिर 410, फिर 605। इसी तरीके से हम इसके बाकी के पार्ट भी रिजॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट मूव करते हैं, अरेंज द नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में कहता है कि हमने रिवर्स चलना होता है, मतलब बड़े से छोटे की तरफ। तो देखें, ये एक 119 है, दूसरा 204 है, और तीसरा 196 है। ये आपके पास 100th है, ये 10th है, ये 1th प्लेस है। मैंने देखा इनमें सबसे जो लार्जर है वो कौन सा है, ये वाला है। कंपेयर किया तो ये हमारे पास पहले क्या जाएगा, 204 सबसे बड़ी टर्म। फिर मैंने देखा इनमें ये तो दोनों सेम है, तो हम टेंथ प्लेस में मूव करते हैं। टेंथ प्लेस में मैंने मूव किया तो मैंने देखा टेंथ प्लेस में ये वाली ग्रेटर है, क्योंकि इसके पास 1 है और इसके पास 0 है। तो सेकंड में हमारा क्या आ जाएगा, 119, और फिर हमारे पास ये तीसरे में क्या आ जाएगा, 106। तो इस तरीके से हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं। देखिए, सबसे बड़े टर्म, फिर उससे छोटी टर्म, और फिर उससे छोटी टर्म। इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हम इसके बाकी क्वेश्चन रिजॉल्व कर लेंगे। तो जी स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हमारा यहाँ पे मुकम्मल होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। घोर पब्लिशर ज्वाइन करने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।